हेलो, हाय, माय नेम इज भावना त्रिपाठी और इस वक्त मेरे साथ है लहर खान। लहर को आप सबने देखा है एज अ कल की इन मूवी जवान। जवान के लिए बहुत बहुत बधाइयां हो लहर। आपको पता है थैंक यू सो मच। अभी कुछ वक्त पहले ही हम लोग इसी सॉन्ग पे रील बना रहे थे, जवान के सॉन्ग पे ऑफिस में। सो जवान का जो क्रेज है वो सबके सर चढ़ के बोल रहा है। और मैंने जी भी फर्स्ट शो देखा था एंड जी इट वाज प्रीटी गुड। बहुत ही ज्यादा अच्छी मूवी थी। हम आपके कैरेक्टर की अगर बात करें, कल्कि की बात करें, बहुत इमोशनल कैरेक्टर था। आपने बहुत सारे लोगों को रुला दिया इंक्लूडिंग मी। तो कैसे सॉरी मिला था वो कैरेक्टर? बट नॉट सॉरी। कैसे मिला था वो कैरेक्टर आपको? मुझे वो कैरेक्टर ऑडिशन देने से मिला है। मुझे मुकेश सर ने कॉल किया था कल्कि के कैरेक्टर के लिए, और मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी फिल्म, इतना बड़ा किरदार होने वाला है उस फिल्म में। मतलब मुझे एक आइडिया था कि शाहरुख सर हैं उस फिल्म में और एटली सर डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आप दिमाग में ये सोच लेते हो कि अच्छा ठीक है, इट बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म, पता नहीं कैसे क्या, यू नो, यू डोंट नो। बट आई वॉज जस्ट वेरी एक्साइटेड टू जस्ट बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म, एंड मैंने अपना 1000, आई थिंक 10,000% दे दिया था पूरा ऑडिशन में, कि जितना अच्छे से दे सकूँ। एंड ऑडिशन में भी मैंने एक्चुअली अपना फ्लैशबैक परफॉर्म किया था, सो इमोशनली इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट टू दैट। जितना बाद में मूवी के दौरान उसके क्रक्स में मैं घुसी हूँ, उस वक्त ऑडिशन के टाइम पे तो इट वॉज थोड़ा ऊपर ऊपर से, बट जैसे भी था आई गेव माई 100%। एंड द नेक्स्ट डे आई गॉट अ कॉल, नेक्स्ट नेक्स्ट डे एग्जैक्टली 24 आवर्स में मुझे कॉल आ गया था मुकेश सर का कि यू गॉट द फिल्म, एंड आई वाज लाइक नहीं यार आप मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक दिन में कौन सेलेक्ट करता है? सो ही वाज लाइक दे लव्ड योर योर ऑडिशन सो मच दैट यू गॉट इट, सो यू आर ऑन बोर्ड। सो दिस होल प्रोसेस टुक अबाउट आई थिंक हाउ मेनी एग्जैक्टली ऑलमोस्ट लाइक अ वीक। That's it. So I met Atlee sir. After 4 days, I gave my audition. And the 5th day, the next day of the audition, I got a call. Oh God. अच्छा, ये कब हुआ था? कौन सा ईयर था? लाइक व्हेन यू This was ऑडिशन? 2021. 21। ओके, तो Yes. आफ्टर 21 जब ऑडिशन ऑडिशन हो गया तो आपने कहना शुरू किया, ओ बेटा अभी आएगी मेरी फिल्म, देखना शाहरुख सर के साथ है, ऐसा कुछ? अरे उस टाइम पे एक्चुअली ऑनेस्टली बताओ मैं किसको क्या ही बोलती, बिकॉज 22 में ब्रह्मास्त्र आने वाली थी, मेरा शो दहन आने वाला था, प्लस आई वाज वर्किंग ऑन जवान। सो ऑनेस्टली आई केप्ट माय डिटेलिंग्स लेस सीक्रेट। ओनली, बिकॉज आई डोंट वांट एनीबॉडी टू फील दैट आई एम एरोगेंट या अच्छा ज्यादा बन रही है, यू नो। सो आई वाज लाइक लेट इट जस्ट कम एंड इट विल टेल यू हाउ इट इज। और अगर मैं बात करूं जवान की, तो शाहरुख सर, क्योंकि ऑब्वियसली सेट पे इतने सारे लोग होते होंगे, शाहरुख सर तो ऑब्वियसली, हाँ। आप लोगों ने इतना क्रिएटिव काम किया है, तो कैसा था वो माहौल, कैसा था सब कुछ, ऑरा जो उनका है, प्रेजेंस? बहुत मतलब मैं ना उसको अगर सबसे छोटे जिस्ट में आपको बताऊँ ना, तो इट्स अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो आप उनसे मिलेंगे तो आप उनके और बड़े फैन बन जाएंगे। मैं जेन्युइनली ये मानती हूँ, बिकॉज ही सच अ गुड पर्सन एट हार्ट, वो दिल से इतने अच्छे इंसान है, एंड वो इतना ध्यान रखते हैं। मतलब इतना सब, मैं वही सोचती हूँ कि इतना सब उनके आसपास हो रहा है, इतने सालों का उनके पास एक्सपीरियंस है, ही डजंट नीड टू बी दैट केयरिंग और दैट यू नो, हर एक चीज का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, आर माई गर्ल्स फाइन, आर दे ओके, देयर इज नो इश्यूज हैपनिंग, यू नो, एंड एंड मेकिंग श्योर दैट एवरीबडी इज यू नो फाइन एंड इज फीलिंग कंफर्टेबल ऑन अ सेट। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही प्यारी चीज है। तो उनका ऑरा बहुत वार्म है, बहुत वार्म एंड बहुत ही ऐसा वेलकमिंग है। मतलब आप इमीडिएटली आप वो हग करते हैं और आपको लगता है अच्छा ये मेरा सेट भी है, ये मेरी मूवी भी है। तो या अच्छा, ऑल्सो जब आप लोगों ने एक एक सॉन्ग साथ में किया है, जिंदा बंदा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, तो बंदा उस कौन पहले डांस सीख लेता था, किसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, और शाहरुख कैसे है डांस सीखने में, और सब कैसे कैसा था सब कुछ? तो ये तो जिंदा बंदा सिंस द कोरियोग्राफी यू कैन सी इज अ लिटिल हैवी, इट्स वेरी या इट्स क्वाइट हैवी एंड बहुत एनर्जी चाहिए जिंदा बंदा पे डांस करने के लिए, इट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। प्लस हम लोगों ने शूट भी कम से कम 5 दिन शूट किया था, अच्छा, तो द कोरियोग्राफी वाला बिट जो था, एंड ऑल्सो दैट जिंदा बंदा के वक्त हमने बहुत पहले से रिहर्सल्स नहीं कर रखे थे, वी वर ऑलमोस्ट लर्निंग इट साइड बाय साइड।
शूट के साइड बाय साइड हम सीख रहे थे, रिहर्स कर रहे थे, फिर शूट पे जा रहे थे. तो बहुत ऐसा काफी हेक्टिक भी था, बट एट द सेम टाइम इट वाज फन बिकॉज हम पूरे दिन सिर्फ डांस कर रहे थे, लाइक और कुछ नहीं था. तो मैं जितने बजे हम लोग सेट आए, रेडी होते थे, रेडी होने के बाद डांस 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 डांस, सीधा घर जाके सो गए. दैट्स ऑल वी वर डूइंग ड्यूरिंग जिंदा बंदा. तो हम लोग आई मीन लकीली द होल गैंग, द गर्ल गैंग इज सॉर्ट ऑफ डांसर गैंग. यू नो सानिया इज अ डांसर, संजीता इज अ डांसर, प्रियामणि इज अ डांसर, गिरिजा इज अ डांसर, एंड आई एम ऑल्सो अ डांसर. आलू इज ऑल्सो लाइक अ लाइक नाउ शी इज गॉट इन देयर, लाइक एट दैट टाइम शी वॉज लर्निंग एंड शी वॉज बिकमिंग लाइक डांसर मच वाला बेटर. हाँ, उसके अंदर से पूरा वाइब, शी वॉज गिविंग फुल वाइब्स ऑफ अ डांसर. जस्ट वो एक, आई थिंक वो एक हमारा जो जिंदा बंदा है उसके थ्रू शी, आफ्टर दैट शी बिकेम अ फुल डांसर बिकॉज आफ्टर दैट शी ऑल्सो, सो वहां से वो भी बन गई. तो हमारा एक्चुअली काफी कूल चीज ये था कि सब फटफट -फट सीख रहे थे, इतना कुछ किसी को भी वक्त नहीं लगा. एंड द बेस्ट थिंग वाज दैट लर्न करने के बाद वी एक्चुअली हेल्प ईच अदर आउट इन द स्टेप्स इन ऑल, एंड एक दूसरे को भी सिखा रहे थे कि किसी ने यू नो कुछ सही नहीं किया तो अच्छा इसने सिखा दिया, उसने सिखा दिया. वी वर जस्ट वेरी लाइक ऐसा हैविंग फन टाइप. एंड एंड शाहरुख सर, आई मीन उनका तो मैं एनर्जी का क्या ही बात करूं. मतलब आई थिंक वो बीच में एक एनर्जी बॉल जैसे थे जो हम सबको एनर्जी पास करते रहते थे. वो खुद इतना ज्यादा एनर्जी से डांस करते थे कि उनको देख के वी यूज टू फील लाइक कि भाई हम तो नहीं थक सकते, हम तो नहीं, यू नो. एंड उनकी चैनलाइज हो जाती थी एनर्जी, यू नो, लाइक वी यूज टू गेट दैट एनर्जी एंड लाइक ओके एंड लिटरली हम लोग के लाइक बाय द एंड ऑफ आई थिंक थर्ड डे ऑफ द शूट वी हैड लाइक ऐसा स्वोलन थाइज बिकॉज हमारा स्टेप, ये वाला जो स्टेप है इन विच वी हिट आर थाई, वी वर रियली हिटिंग आर थाई, मार मार के पूरा नीला हो गया था सबका थाई. एंड एवरीबडी हैड दोज क्या कहते हैं ब्लू पैचेस यहाँ पे थाई पे, और पूरा स्वेलिंग लिटरली सबको हो गया था. एंड हम लोगों ने एक दूसरे के साथ वो पिक्चर खींच के शेयर भी किया था ग्रुप पे कि भाई मेरे को भी हो गया है, मेरे को भी हो गया है. अच्छा तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप एक भी बना हफ्ते क्या? व्हाट्सएप ग्रुप भी बना होगा ऐसे आप लोगों ने ना? या क्या नाम क्या गुड टू गो चीफ. था उसके? उसमें शाहरुख सर भी है? नहीं, ओनली द अच्छा गर्ल्स, ओनली द गर्ल गैंग। इट गर्ल गैंग विदाउट द चीफ, यू नो, लाइक वेयर वी कैन डू अ लिटिल बिट ऑफ आर फनी कॉन्वर्सेशन हाँ विदाउट द चीफ. अच्छा ऑल्सो नयनतारा मैम के साथ आपने काम किया, या कभी ऐसा कुछ फील हुआ कि लाइक वो लीड कर रही है या फिर वो लीड रोल में है, या कैसा था बेसिकली उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस? नहीं ऐसा तो नहीं, आई मीन डेफिनेटली, आई मीन हम शुरू से हम लोग काफी अवेयर थे इस बात से कि वो लीड कर रहे हैं एंड शी इज द मेन. एंड उस बात से किसी को कुछ वो नहीं था, आई थिंक. मतलब वो एंड वो खुद भी बहुत ज्यादा कंफर्टिंग और स्वीट इंसान है, तो उन्होंने कभी ऐसा फील भी नहीं करवाया. डेफिनेटली उनका एक चीज बहुत जो मुझे बहुत पसंद है वो ये है कि शी हैज अ वेरी स्ट्रांग ऑरा. एंड मुझे लगता है कि कोई भी एक फीमेल एक्टर जब वो सेम ऑरा, विच यू नो हम लोग मतलब बड़े हुए हैं, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ मेल एक्टर्स हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑरा और दैट हीरो सॉर्ट ऑफ फीलिंग. आई गॉट वेरी हैप्पी जब मैंने लेडी सुपरस्टार हैविंग दैट फीमेल दैट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑरा ऑफ हर्स. एंड वो कहीं ना कहीं उनके आई थिंक परफॉर्मेंस में भी काफी अच्छे से झलकता है कि यू नो लाइक शी हैज दैट रियली स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पावरफुल ऑरा, यू नो, लाइक वेर यू कैन गेट इंटिमिडेटेड बाय हर कैसे ऑल्सो. कैसे लाइक कैसे जैसे कि जैसे कि समटाइम्स इट्स इन योर आईज ना, आंखों में होता है. यू डोंट हैव टू से एनीथिंग व्हेन यू एंटर द सेट या व्हेन यू आर जस्ट सिटिंग, एंड द वे यू आर योर लाइक योर ऑरास, हाउ यू आर सिटिंग, हाउ यू आर बीइंग, सो दैट वाज क्वाइट पावरफुल, दैट वाज वेरी वेरी स्ट्रांग उनका. एंड वो आप उनके ओपनिंग, इनफैक्ट व्हेन यू सी द ओपनिंग सीन ऑफ द फिल्म एंड शी एंटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, शी गिव्स दैट अवे. दैट्स हाउ शी इज, दैट्स हाउ पावरफुल हर एनर्जी इज. सो मुझे लग मेरे को वो बहुत पसंद है क्योंकि आई थिंक टू इट्स क्वाइट इंस्पायरिंग. मतलब मुझे बहुत बहुत ही ऐसा इंस्पायर्ड फील हुआ उनको देख के कि यार हाँ ये एनर्जी ये ऑरा तो होना चाहिए भाई, मतलब वाई नॉट. सो या आई थिंक यार
हाँ लहर, जी जब ये फिल्म हो रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर गर्ल पावर की बात हुई है, लीड बहुत मिला है लड़कियों को, बहुत स्क्रीन स्पेस मिला है. और जब हम लोग रिव्यूज ले रहे थे आफ्टर फर्स्ट डे फर्स्ट शो अपना, तब सबने यही बोला कि ऐसा नहीं है कि कहने को ये शाहरुख की फिल्म है. ऑब्वियसली शाहरुख इज द किंग, और शाहरुख ने वो अर्न किया है, डेफिनेटली बट आप साइड लाइन नहीं कर रहे थे लड़कियों को, लड़कियों को फुल स्पेस मिला है, स्क्रीन स्पेस मिला है. कैट राइट फाइट्स की बातें बहुत सामने निकल के आती हैं. कभी कुछ ऐसा सेट पे हुआ कि इतनी सारी लड़कियां हैं, कभी कुछ किसी के साथ अनबन हो गई हो, इतना वक्त था शूट करने पे? इनफैक्ट यही था, पता है मैंने ना बहुत जगह इतनी कैट फाइट्स के बारे में सुन रखा है और सेट्स पे और लोगों का, कि व्हेन यू एंटर अ सेट विद लाइक सो मेनी फीमेल्स, यू नो इन योर हेड, इन द बैक ऑफ योर हेड, व्हेन यू न्यू इन दिस इंडस्ट्री, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि यार इतना सुना है, व्हाट इफ हमारे सेट पे भी ऐसा कुछ हो, एंड सरप्राइजिंगली इट वाज कंप्लीटली लाइक कंप्लीटली ऑपोजिट. हम लोग तो मतलब ऐसे बॉन्ड हुए हैं ना मिलते, कि अब तो मतलब अलग करना मुश्किल हो गया. पहले से जानते लाइक थे हम दूसरे को? नहीं, नहीं, कोई भी नहीं जानता था. आई जस्ट न्यू प्रिया दी, प्रिया मनी, बिकॉज मैंने उनके साथ जब मैं 15 साल की थी तो मैंने एक एड शूट किया था जिसमें वो मेरे स्टेप मदर बने थे. तो आई आई रिमेम्बर्ड और शी ऑल्सो रिमेम्बर्ड मी. हम लोगों की एक फेसबुक पे पिक्चर थी तब की, मैं छोटी सी थी, मैंने उनको हग कर रखा था ऐसे. तो शी इज द ओनली वन आई न्यू आउट ऑफ द होल लॉट. एंड हम लोग जब भी मतलब हम जब मिले, और लाइक बेसिकली हम 6 ना वो जने हैं जिनको कोई शांत नहीं करा सकता, और अगर हम किसी भी बड़े से बड़े रूम में बैठे होंगे सबसे लास्ट बंदे को भी हमारी आवाज तो जाएगी ही जाएगी. इट्स लाइक दैट वी आर द लाउडेस्ट, द मोस्ट चर्पीएस्ट एंड द मोस्ट टॉकेटिव ग्रुप. लाइक हम 6 को कोई चुप नहीं करा सकता लिटरली, एंड लाइक वी हैव बॉन्डेड सो वेल. अभी तो मतलब इतना ज्यादा हम 6 में इतना क्लोजनेस है कि वी ऑलवेज बिलीव दैट ये जवान के लिए मिले थे हम, बट जवान के बाद भी लाइक वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, यू नो द 6 ऑफ अस. सो बिल्कुल भी नहीं कैट फाइट, तो मतलब दूर दूर तक नहीं, कुछ भी नहीं. अच्छा, हाँ अच्छा, आपका जो प्रोजेक्ट, अच्छा आप बता सकते हो लाइक अब तक आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, लाइक काउंट करके, अपार्ट फ्रॉम आई टीवी? हाँ अपार्ट फ्रॉम टीवी एड्स? हाँ ओके टीवी आज एक्चुअली मैंने ज्यादा करी ही नहीं है, बट ओके सब कुछ सो काउंट करके बताओ. आई हैव डन 4 फिल्म्स, आई हैव डन 1 OTT शो, एंड आई हैव डन 3 शॉर्ट फिल्म्स, एंड वन वन एपिसोडिक फॉर टेलीविजन, लाइक दैट्स इट. अच्छा, इन सबके बाद जो लोग आपको जान रहे थे, अनकट टू जवान रिलीज, और उसके बाद जो आपको जान रहे हैं, पॉपुलैरिटी में ऐसा हुआ है कि मतलब ग्राफ ऊपर गया हो? अरे कल की आप तो कल की इट्स हो, गॉन लाइक दिस, इट्स नॉट इट्स इवन लाइक दिस, इट्स लाइक लाइक दिस. दिस. तो या आफ्टर जवान, बिकॉज़ हाँ आई थिंक बाकी जितनी भी फिल्म्स हैं जो करी है, एक तो काफी लंबे स्पैन ऑफ टाइम में है ये सब कुछ डिवाइडेड ऑनेस्टली, बिकॉज एज अ चाइल्ड एक्टर आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 11, सो दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म कॉल्ड जलपरी. तभी तो छोटी थी बहुत ज्यादा, बट इवन दो उसके लिए भी मैं बेस्ट चाइल्ड एक्टर एंड उन सब के लिए नॉमिनेट हुई थी. बट यू नो लाइक आई वाज रियली छोटू एंड आई वाजंट सो श्योर अबाउट कि मुझे एक्टिंग करनी है कि नहीं करनी है. वो मूवी तो मेरे लिए मतलब वेकेशन जैसा था कि चलो स्कूल नहीं जाना 1 महीने के लिए. अरे वाह, यू नो सो वो ऐसे चला गया. फिर जब पार्ट 2 हुई, पार्ट 2 वाज दैट मेन टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ जहाँ पे मेरे लिए ये एक क्लैरिटी हो गई थी कि हाँ मेरे को अब एक्टिंग करनी है. मुझे बहुत मतलब इन अ वे उस सेट पे मुझे एक्टिंग का एक तो मतलब समझा कि एक आर्ट फॉर्म है, एक आपको सीखना पड़ेगा, आपको एक इमोशन देने पड़ेंगे. एंड मेरे आसपास इतने इतने एफर्टलेस एक्टर्स थे ना उस दौरान, मतलब देयर वाज राधिका दी, राधिका आप्टे, तनिष्ठा चैटर्जी, सुरवीन चावला, शायनी गुप्ता, सुमित व्यास, सो मेनी गुड गुड रियली गुड थिएटर बैकग्राउंड वाले एक्टर्स हु वर सो इंक्लाइंड टूवर्ड्स अपना काम, एंड इतना पैशन और इतना जेन्युइन यू नो लाइक प्योर इमोशंस देयर वर. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि वहां से आई वाज लाइक ओके दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. बट पार्श वाज डेफिनेटली अ फिल्म जो कि इंडिया से ज्यादा बाहर ग्लोबली इट वेंट ऑल ओवर, मतलब सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में या हर जगह. तो यहाँ पे उसका उतना आई डोंट नो होना चाहिए था, बिकॉज इट वाज अ वेरी वेरी इंपैक्टफुल एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिल्म, मतलब वेरी वेरी गुड फिल्म. उसके बाद ऑफ कोर्स ब्रह्मास्त्र हैपेंड लास्ट ईयर, जहाँ से लिटिल बिट ऑफ यू नो दैट लिटिल बिट ऑफ रिकवरी
हाँ लिटिल बिट ऑफ रिकॉग्निशन सिंस द कैरेक्टर वाज नॉट सच, इट वाज जस्ट मोर लाइक अ इंट्रोडक्शन फिल्म. ब्रह्मास्त्र पार्ट वन वाज मोर लाइक एन इंट्रोडक्शन टू ऑल ऑफ अस. हाँ एंड देहन आया, देहन से मेरे को काफी रिकॉग्निशन मिला व्हेन इट केम ऑन हॉटस्टार, बिकॉज आजकल एटलीस्ट यू नो लाइक कोविड के बाद से तो लोग ज्यादा यू नो दे आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स वॉचिंग वेब शोज. यस एंड तो वो मेरे लिए एक बहुत टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से यू नो ग्राफ ऐसे 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 जस्ट शुरू हुआ था. एंड यू नो एंड लाइक लोगों को काफी काम पसंद आया था, मेरा कैरेक्टर रानी का भी बहुत पसंद आया था. बट देन जवान हैपेंड एंड जवान केम आउट एंड सडनली द रिकॉग्निशन जस्ट फ्रॉम हियर जस्ट वेंट लाइक. एंड आई थिंक इट्स ऑल, आई मीन आई फील वेरी ब्लेस्ड. एंड मेरे को बस ये लगता है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और मैं बस खुश हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी का मैंने ध्यान रखा है, मेरे कैरेक्टर को मैं कर पाई हूँ और लोगों तक पहुंचा पाई हूँ, जो उसका पर्पस था, जो भी एटलीस्ट का पर्पस था एक्चुअली. तो उसके लिए अगर प्यार मिल रहा है तो मैं बहुत ऐसा आर्म्स खोल के एक्सेप्ट कर लूँ कि दो और दो मुझे प्यार. और प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो गए आपके जवान, आंधी कॉल वॉल अभी जी आते हैं? आ अरे आ रहे हैं, आ तो रहे हैं ऑफकोर्स. हाँ, आ तो तो रहे हैं. एक्सेप्ट बट आई करा फील लाइक उनके उनके बारे में मैं तो लिटरली तब बोलूंगी जब वो आएंगे, सिंस एज आई सेड, एज आई टोल्ड यू कि वो मेरा अप्रोच ही रहा है कि जब तक आ नहीं जाते तब तक बात करने का मुझे लगता है कोई फायदा नहीं है. आ जाए हाँ उसके बाद, बिकॉज काफी सारे आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारी यू नो बहुत सारी फिल्म्स, बहुत सारी चीजें शुरू होके बंद हो रही हैं, काफी काफी चीजें चल रही हैं. तो आई एम जस्ट इन अ प्लेस वेयर आई एम लाइक आ जाए फिर हम एक और इंटरव्यू करेंगे उसके बारे में. कब पक्का प्रॉमिस का रहा? अच्छा, और प्रॉमिस. ये मैं लगाने वाली हूँ, पिंकी प्रॉमिस जो आपने बोला है ना, फिर बाद में तो बोलूंगी आपको साथ पिंकी में करना पड़ेगा ना, प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस. ठीक है। अच्छा, फैमिली का कैसा रिएक्शन है? अमेजिंग, बहुत लाइक एवरीबडी इज लाइक गोइंग, हर हर मतलब हर आधे घंटे में मेरा भाई मुझे यू नो ही इज जस्ट बिन चेकिंग माय सोशल मीडिया, ही लाइक इतने फॉलोअर्स हो गए, इतने फॉलोअर्स हो गए, इतने फॉलोअर्स हो गए. सो वो मुझे कंटिन्यूअसली कर रहा है. मॉम तो बहुत ही ओवरवेलम्ड है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब इतना भी डिड लाइक इतना हमने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था. पता है लाइक मैंने मूवी के लिए एक्सपेक्ट किया था, बट एक होता है ना आप एक मूवी का अलग एक्सपेक्टेशन होता है, खुद के लिए एक अलग एक्सपेक्टेशन होता है. अलग हाँ तो मेरे को मूवी के लिए वो एक्सपेक्टेशन था कि मूवी इज गोना किल इट, मूवी इज गोना बी ग्रेट, एंड दैट वी हैड फुल बिलीव इन एटली सर शाहरुख सर, देयर इज नो डिनाई इन दैट. बट अलग खुद के लिए भी यू यूजुअली डोंट गो टू बियॉन्ड, तो मुझे नहीं लगता कि अरे इतना हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, यू जस्ट लाइक ओके मेरा भी अच्छा रिस्पॉन्स, कुछ लोग जाने लग जाएंगे ठीक है, बट सडनली सच अ ग्रेट रिस्पॉन्स दैट यू नो पीपल आर कॉन्स्टेंटली मैसेजिंग एंड दे आर टेलिंग मी दैट दे लव कल्की. And they all, and the most important thing for me is when they say that they cried, and I was like, ah, that's the best compliment as an actor I can get, you know. यस तो मेरे यस को लगता है कि हाँ. सील है। एज एन ऑडियंस अगर मैं आपको बताऊं कि मतलब मैं और मेरी रूममेट, वी वेंट फर्स्ट डे फर्स्ट शो, 7 बजे उठ के आप बिल्कुल नहीं होते उस जोन में कि लेट गो टू मूवी, मूवी देखने जाते हैं। सीरियसली मैं बता रही हूँ, I went at 6. सिक्स ओ गॉड, माय बॉस वेंट सिक्स, वो भी 6 बजे गए थे, अच्छा 6 बजे साकेत में जाके वो देख रहे थे। सो मैं उठी हूँ और मैं एक बात बाद में बताऊंगी। फिर उसके बाद वो जब आफ्टर द मैं रिकॉर्डिंग इज हाँ आफ्टर ऑफ. रिकॉर्डिंग, तो जब गई और उसके बाद हम लोगों ने देखना शुरू किया, सो आई यूजुअली क्राई व्हाइल वाचिंग कंटेंट ना, यूजुअली क्राई, आई वाज क्राइंग लाइक दिस। एंड मैं कहा कोई देखते रहे, मैं उसे पूरी शी अच्छा वाज आल्सो क्राइंग, मैं कहा चल बहन साथ में चलते हैं, ऐसे ऐसे हो रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहे हैं, मैं कहा चलो चलो बट लेट्स क्राई। दैट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू नो, लाइक मेरे लिए ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि मेरे साथ रोए लोग. एंड ये तो आई एम रियली हैप्पी दैट ऐसा, मतलब नॉट बड़ा अजीब स्टेटमेंट है ये, मैं बहुत खुश हूँ कि सब लोग रोए. क्योंकि आपकी एक्टिंग ऐसी थी कि वो दिल से की गई एक्टिंग दिल तक पहुंची, कह सकते हैं। जी आई जस्ट होप सो बिल्कुल. एंड कहीं ना कहीं मैं इसके लिए भी बोलूंगी, आई थिंक माय माय डैड इज वाचिंग मी एंड ही इज मेकिंग श्योर दैट एवरीथिंग इज फाइन. ऑल्सो मैं सुना आप दिल्ली से हो, बॉर्न सर एंड ब्रॉट अप, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, फिर उसके बाद शिफ्ट कैसे हो गए, क्या हो? मैं पास करके आई थी घर वापस, और मैंने मॉम डैड को बोला कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो मेरे मॉम डैड का अमेजिंग रिस्पॉन्स था कि चलो फिर मुंबई चलते हैं. एंड लिटरली एक साल में हम लोग मुंबई शिफ्ट हो गए.
फिल्म पायरेटेड वर्जन में आ गई थी, लीक हो गई थी। आई मीन ऑनेस्टली मैं बहुत मतलब आई वॉज क्वाइट डिस्टर्ब टू नो दैट कि ऐसा हुआ है, क्योंकि मुझे भी ऑनेस्टली ऑन सोशल मीडिया लॉट ऑफ पीपल मैसेज्ड और उन्होंने बोला कि मैम लीक हो गई है, व्हाट टू डू अबाउट इट. तो ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट रिएक्शन वाज लाइक नथिंग्स गोना हैपन, जवान इज जवान. एंड द थिंग इज कि जवान का जो एक्सपीरियंस है ना वो थिएटर में ही है, तो जो हाँ लोग भी देख रहे हैं उसको फोन पे या अपने लैपटॉप्स पे, इट्स वेस्ट, बिकॉज आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा जो आपको मिलना चाहिए एक मूवी का. और आई थिंक मैंने उसके लिए अपने सोशल मीडिया पे एक स्टोरी भी डाली थी कि प्लीज ट्राई नॉट टू पुट, क्योंकि बहुत लोग सोशल मीडिया पे भी सीन्स के वीडियो डाल रहे थे. तो आई वॉज टेलिंग एवरीबडी कि बहुत लोगों ने अभी नहीं देखी है तो स्पॉयलर्स मिल रहे हैं लोगों को पहली बात, एंड ऊपर से पायरेसी भी हो चुकी है. तो कहीं ना कहीं आई वॉज नॉट हैप्पी विद इट. मतलब मेरे को वो था कि नहीं होनी चाहिए थी, बिकॉज उसका एक्चुअल मजा ही थिएटर में, आप देख लो कितना भी उसको घर पे, बट एंड कहीं ना कहीं वहां पे ना वो आर्ट की फिर मेरे को लगता है कि डेथ हो हाँ, जाती है. मतलब डिसरिस्पेक्ट हो इतना जो जाती है, उसके डेथ हो अंदर जाती डेथ है। या हो जाती है उस आर्ट की, क्योंकि उसके अंदर जितना मेहनत गया और जितना काम गया है, ऑफ एटली सर, ऑफ विष्णु सर हु इज द डीओपी ऑफ द फिल्म, एंड देन शाहरुख सर एंड ऑल द अदर एक्टर्स हु हैव पुट इन देयर वर्क, ऑल द पीपल हु आर बिहाइंड द कैमरा जिन्होंने काम किया, इतना मेहनत किया है, वो बनाई एक पर्टिकुलर फॉर्म के लिए है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के लिए है, विच इज थिएटर्स. सो अगर आप उसको एक उसको आप एक छोटे फोन पे या एक लैपटॉप पे या टीवी पे देख रहे हैं, तो वो इट्स जस्ट नॉट मेंट फॉर इट अनटिल एंड अनलेस वो प्रॉपरली उस फॉर्म में रिलीज नहीं होती है, जब तक वो ओटीटी पे नहीं आती है या जो भी है. तो नॉट हैप्पी, बट फिर भी मैं कहूंगी कि कलेक्शन वाइज इट्स जवान एंड पीपल आर वॉचिंग, दे आर वॉचिंग 5 टाइम्स 4 टाइम्स. आई हैव गॉटन सो मेनी मैसेजेस दैट हम यस 5वीं बार जा रहे हैं देखने के लिए, एंड आई एम लाइक ठीक है. तो मतलब इन द एंड ऑफ द डे नथिंग इज गोना हैपन, कुछ नहीं होने वाला, कुछ कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, इट्स जवान एंड दैट्स व्हाट इट्स डूइंग. ऑल्सो लहर, इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। आपने अपना सेम बार खुद सेम सेट कर दिया है, और ऑब्वियसली अब आपको वो बार हाय 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 करना है, जैसे यस आपको प्यार बहुत सारा मिल रहा है। तो थैंक एंजॉय योर फेम, और यू, ऑल थैंक यू द सो मच, वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू. आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड आई होप कि आई विल कीप गिविंग माय बेस्ट परफॉर्मेंसेस सो दैट हम भी मिलते रहे और इंटरव्यू चलता रहे. यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you.